हाय गाइस, गुड मॉर्निंग. कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू आवर चैनल बंसल फैमिली. तो आज सुबह सुबह मेरे को आप देख रहे हैं किचन में, रसोड़े में कौन है? हमारी बीवी है रसोड़े में. तो आज बन रहा है मूली के पराठे. और प्लीज मूली के पराठे खा के बाहर ना जाएं, लोगों को बदबू में ना करें, कृपया करिए. और ये इधर जो है आटा गूंध चुका है और फिलहाल मैं भी नहीं नहाई हूँ. ये रात की रोटी बची थी तो ये डॉग को दे देंगे. बस अब बैठे हैं, जाएंगे नहाने. सारी रेडी हो चुकी है और इसके अंदर मैंने क्या किया है, फिलहाल अभी नमक डाल के रख दिया ताकि मूली का सारा पानी जो है निकल जाए. देखो कितना पानी है. तो बस अब जाएंगे नसी का नहाने. पानी गर्म हो चुका है और गुल्लू मैडम भी हमारी उठ चुकी है. ये गुल्लू हमारी रेडी हो चुकी है, अभी नहाया नहीं है. नाच 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 मेरी रानी, नाच नाच नाच. ये गुरु रंधावन जी का प्रमोशन क्यों कर गाने का? चलो राधे करके दिखाओ, सबको करके दिखाओ. राधे राधे. क्या ले तो लिया आपको मम्मा? अच्छा अच्छा, रुक 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 रुक. टंकी है ये, नटंकी बाज. अच्छा नोज का है, बता दे. नोज बता दे का है. ओ, ये तो हेड है बिटू. चल अभी नहाने चल रहे हैं. नोज का है, नोज नोज. बिल्लू को खाया किसी ने? नोज का है, नोज. ये क्या यार, गाइस मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और आज फाइनली आखिरकार वो दिन आ ही गया है मेरे भाई की वजह से. सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई की वजह से और अपनी माता रानी से मिलने की वजह से बंसल जी जा रहे हैं आज वैक्सीन लगवाने. मेरी दोनों डोज जो हो चुकी है वो पूरी हो गई है. बंसल जी की पहली डोज है और वो कोविड शील्ड लगवा रहे हो? कोवैक्सीन लगवा रहे हैं, क्योंकि उसमें फिर 28 डेज का गैप है, फिर दूसरी इनको 28 डेज के गैप में लग जाएगी. और मैंने जो है कोविड शील्ड लगवाई थी जो मुझे 3 महीने के गैप में लगी थी. तो फाइनली जिसने नहीं वैक्सीन लगवाई, जाओ और वैक्सीन ज़रूर लगवाओ, क्योंकि वैक्सीन लगवानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो ऐसा कहा जा रहा है कि भाई कोरोना ये वाला जो है वो जिसने वैक्सीन लगवाई है उसको कम इफेक्ट कर रहा है, मतलब ज़्यादा तेज़ी से नहीं हो रहा उसको. तो इसीलिए मैं सबको एक बात सूचित करना चाहती हूँ कि प्लीज़ जाओ और वैक्सीन लगवाओ. और बंसल जी जो है 15 जनवरी को वैष्णो देवी जा रहे हैं. गुल्लू को खांसी हो गई, सबसे पहले मैं देती हूँ इसको दवाई, फिर आपसे मिलती हूँ सीधा मूली के पराठों पे. क्या कर रहे हो? आराम से आराम से आराम से. अच्छा आराम से सुन ले आराम. जीजू, सभी भक्तों से यह भी निवेदन है कि 15 तारीख को या फिर 13 तारीख को अपना RT-PCR करवा ले. लिख दे. बाबू बन गया. फ्रेंड्स, ये मूली के और पनीर के परांठे बनके तैयार है, क्योंकि मूली कम थी इसलिए पनीर के भी परांठे बनाने पड़े. तो बस तैयार है और अब करते हैं अपना नाश्ता. फाइनली हम आ चुके हैं, पर हमारा 1 बजे का अपॉइंटमेंट था और 2 बज गए. पता नहीं लगेगी या नहीं लगेगी, होप फॉर द बेस्ट. बड़ी मुश्किल से तो बंसल जी तैयार हुआ है, भगवान लगवा दो बस. ऐसे नीचे कर तो इसको बाहर हाथ निकाल लो, थोड़ा सा हिस्सा चाहिए कंधे पे से हो जाएगी. ये मोटे लोगों का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ना. दो बूंद तो लगाते हैं, दो बूंद गिरा दी. ये भी निकालनी होती है इसमें से. ये लो दबा लो.
फाइनली फर्स्ट डोज जो है बंसल जी को लग चुकी है। बंसल जी चक्कर वक्कर तो नहीं आ रहे ना भाई? चक्कर भी आ रहे हैं, थोड़ा सा जूस पिला दो। जूस पीने से ठीक लगता है? हाँ। अनार का पिला दो? अनार का नहीं, बियर पिला दो। बियर अलाउड नहीं है इसके अंदर। चलो, और बंसल जी ने इसलिए मकान को अच्छा बना हुआ है। कौन सा मकान है? चला जाओ जल्दी, चल चलो भाई चलते हैं। गाइस मैं आई हूँ ओढ़नी वाले के, जिससे हमने साड़ियाँ खरीदी थी। आज साड़ियाँ हमारी हो चुकी हैं डन, तो मैं लेने आई वो सारी साड़ियाँ, क्योंकि फिर भैया कह रहे लॉकडाउन ना हो जाए प्रॉपर, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो भाई अपना ये काम भी करना ही है तो करते हैं, तो साड़ियाँ लेने आई हूँ। सो गाइस हम जा रहे हैं करोल बाग चांदी की शॉपिंग करने, तो आज मेरे को पायल खरीदनी है, तो दीक्षा दिलाएगी मुझे पायल। और फ्रेंड्स आपको पता है अम्मा अपनी मतलब अम्मा जब थी तो अम्मा अपने एंड डेज में 6,000 रूपए देके गई थी सोने का, भाई चांदी का कटोरा बन जाना चाहिए प्रिया का। तो अब हम वो वाला चांदी का कटोरा भी लेने जा रहे हैं जो अम्मा ने पैसे कह रही थी सोनों के कटोरे, तो मैंने कहा अम्मा 6,000 में एक नारा सोनों के। कोई बात नहीं, अभी पहले एक बनवाएंगे, मेरी शादी का अभी तो एक ही लेंगे, क्योंकि 8,000 रूपए 8,000 का बन रहा था, तो हमने बनवाया नहीं। और अम्मा ना एंड के 10 दिन पहले भी बोल रही थी कि इनका चांदी का कटोरा, खांड कटोरा कहते हैं, खांड कटोरा। अम्मा जी आ गया खांड का, तो बस जा रहे हैं अब, खांड कटोरा भी लेंगे। और भी जो भी कीर्ति नगर वाली साइड से निकाल लूं? हाँ, तो जितनी भी आज सिल्वर की साइड सीधा 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 ले ले शादीपुर के पुल के ऊपर से, जितनी भी शॉपिंग करनी है वो आज करेंगे। देख गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं जहाँ से हमें गोल्ड सिल्वर लेना है, मीन। और मैं आई हूँ स्टेयर से, बाकी सारे के सारे आए हैं लिफ्ट से। गाइस हमारा रवा मसाला डोसा जो है वो रेडी है। ये लो, मैं तो कहती बच गया, ये मेरा रवा मसाला। चाची तुम्हारी सेहत देख के पता चल रहा है कि इतना तो तुम खा सकती हो। तो गाइस ये रे हमारे छोले भटूरे। मैंने लिए चाय और पैटी, बाकी सब अपना अपना खाना खा रहे हैं। कहीं भी बाहर आओ हमारा डिनर लंच सब यहीं पे ही होता है बाहर ही। गाइस मैं आ चुकी हूँ घर पर, और आने के बाद ऑब्वियसली बहुत काम होता है किचन का। आज शाम को मैं चली गई थी तो मेरे बर्तन भी नहीं वॉश हुए हैं, तो आके मैंने रखी है मूंग की दाल बनने, और इधर मेरा पानी गर्म हो रहा है, इधर दूध जो है वो बॉयल हो चुका है, और मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, तो मैंने सोचा कि गर्म पानी पी ही लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा ठीक हो ही जाएगा। दवाई भी ले रही हूँ बट ठीक है, पहले से तो बहुत ठीक है, लेकिन मतलब बिल्कुल ठीक नहीं है, वेदर चेंज हो रहा है तो इस वजह से दिक्कत होती ही है। और ये देखो, देख लो मैंने इसमें ना सारे प्लास्टिक के बर्तन ऑलमोस्ट छोड़ देती हूँ, ताकि ये गुल्लू जो है ना जितना मर्जी इसको खेलना है ना खेल ले, क्योंकि फिर ये स्टील के बर्तनों से खेलती है, ये ड्रॉर्स खोल लेगी, सब कुछ खोल लेगी। तो आजकल तो इसका हाथ ना इस पे चला है, ये लेती है जितने भी इसके अंदर ये वाले पैकेट वाले मसाले हैं, ये लेती है और लेने के बाद उनको च्यू करती है। पता नहीं क्यों क्या हो गया इसके ना, ये जैसे चार के ला ये जो दाग होता है ना इसका, ये भी आना चालू हो गया है। और रही बंसल जी की अपडेट, बंसल जी की अपडेट ये है, अब थोड़ा सा बंसल जी का हाथ में स्वेलिंग आ गई है, और अब बंसल जी थोड़े से ठीक नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि मुझे रेस्ट करने दो, एंजॉय करते गर्म पानी। और आपको बंसल जी की जबानी ही सुनाते हैं बंसल जी की कहानी। बंसल जी की कहानी, बंसल जी की जबानी। हाँ जी बंसल जी, अब मुझे बताओ आपने आज वैक्सीनेशन लगवाई है, सबसे पहले तो कौन सी लगवाई है? कोवैक्सीन ही क्यों लगवाई है आपने? यस, इसीलिए बंसल जी ने लगवाई है, वरना कोई भी लगवा सकते थे, ऐसा इनका कुछ भी नहीं है। और आपने सुबह लगवाई थी, तो अब तक आपको क्या फील हो रहा है? तो आप गुल्लू को पेल सकते हो? तो आप अच्छा, वैक्सीन लगवाने के बाद चिड़चिड़ाहट भी होती है? अच्छा, हाथ वाथ में दर्द कहीं, बुखार? हाथ तो ऑलरेडी सूजा हुआ है तुम्हारा, तो दर्द है। और बुखार? बुखार कुछ नहीं है। थकावट कहीं?
चक्कर, इसका मतलब सिर्फ हाथ में दर्द है, इसके अलावा कुछ नहीं है बंसल जी को। वो चिड़चिड़ाहट इसकी वजह से नहीं है। और बंसल जी खा रहे हैं नमकीन, क्योंकि अभी तक रोटी नहीं बनी, बेचारों को भूख लग रही है, तो फटाफट से बनाते हैं रोटी। ये मैंने बनाई है मूंग की दाल, और अब इसको खिलाऊंगी गुल्लू को भी। ये देखो सीधा प्लेट पे हाथ मारी है बंसल जी की। कहाँ जा रहे हो दोनों जने? एक्सरसाइज कर रहे हैं खाना खाने के बाद। आओ। कौन सी एक्सरसाइज? बहुत बढ़िया। चलो पीछे बना रेल का डब्बा। ओ भाई चूहा आ गया था क्या? चलो ओए रेलगाड़ी में छोड़ के डब्बा पकड़ाओ तो सही इसको। हाँ पकड़ लिया। पकड़ा मैं? नहीं छोड़ दिया। डब्बा तो पकड़। चलो नहीं पकड़ रहा, उसको इंटरेस्ट नहीं है, उसको आगे जाना है, छोटा इंजन है ना वो। अब चल अब चल अब चल, ये ठीक करा गुल्लू ने। कह रही थी, ये कह रही थी मम्मी तुम चलना चाह रही हो ना, एक्सरसाइज करोगी, मुझे बिठा के एक्सरसाइज करो गोदी में। गुल्लू का आपने वो देखा? ये देखो मैंने पिछले साल गुल्लू का ये बनाया था फॉर्मल, इसको क्या कहते हैं, मफलर। मफलर और गुल्लू को मैं नीचे से पहनाती हूँ, ऊपर पहनाऊंगी। एक्चुअली इसको लग रहा है कि मैं कहीं जा रही हूँ, तो आज मैं इसको 4 घंटे छोड़ के गई हूँ, तो इसको ये लग रहा है कि भाई मेरी माँ फिर छोड़ के चल जाएगी। सही बात है, तुम भागो तो हो एक नंबर की धोखेबाज हो तुम। मैं जा रही हूँ, चलो ओके। चलो दांत दिखा अपने। सो गाइस गुल्लू के आ चुके हैं सारे के सारे दांत, देख ये दे, 4 ऊपर के 4 नीचे के, इधर साइड के सारे दांत आ गए इसके। तो ये इतनी जबरदस्त काटती है ना, पूछो मत इस लड़की का कैसा लग रहा है गुल्ला। चलो अब राधे राधे करके दिखा दो। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल बंसल फैमिली, और ऐसे देखते रहिए मुस्कुराते रहिए। गुल्लू आजा, गुल्लू की रोज नई नई, अभी तो इसने बोलना चालू नहीं किया है, जब बोलना चालू करेगी आपको रोज इसकी नई नौटंकी नजर आएगी। आजा बाबू, पापा 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 पापा, कहाँ जा रहे हो?